नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका। आज दोस्तों करारे आलू बनाएंगे, बहुत सीधे सरल और बहुत स्वादिष्ट। मैंने 1 किलो आलू उबाला है, 1 kg, और इनको अच्छे 3-4 पानी से धोने के बाद 4-5 सीटी बजा के आलू उबाल लिया और उनको 10 मिनट के लिए ठंडा होने रख दिया। आप देखिए इस तरीके से, इतने आलू पूरे नहीं बनाएंगे, आधे बनाएंगे, तो 3 लोगों के लिए है। ये देखिए मूंगफली ले ली है, 2 टेबल स्पून कच्ची मूंगफली है, इसको रोस्टेड नहीं किया, बस यूं ही लेकर। और ये देखिए पीस लिया है, दरदरा पीस लेंगे बस। इसके बाद इसको भुनेंगे अभी नहीं। अब देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें देसी घी डाल दिया, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, पर इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। और इसको गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच, और आधा चम्मच और डाल देंगे, और जीरे को अच्छे से चटक जाने देंगे। अब ये हरी मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च है, बाकी आप जितना चटपटा खाते हैं उस हिसाब से डालें। और इनको बिल्कुल काला नहीं होने देंगे, नहीं तो आलू में मजा कम आती है, हरा ही रहने देंगे। बस हल्का हल्का सा पक जाए बस इतना डालेंगे। अब इसमें जो मूंगफली दरदरी पीसी थी उसको ऐसे थोड़ा लाल लाल कर लेंगे। जब ये लाल हो जाएगी तो क्रंची हो जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है, दोस्तों व्रत में सेंधा नमक डालते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक यहीं पर डालने में घी में मिल जाता है, तो इससे सभी आलू में अब चढ़ जाएगा। अब देखिए आलू डाल दिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, लो नहीं करेंगे, और इस तरीके से इसको करते रहेंगे बीच बीच में, और फिर थोड़ा चलाएंगे फिर छोड़ेंगे, जिससे कि आलू बिल्कुल करारे लाल लाल हो जाएंगे। और इसमें मूंगफली का टेस्ट भी बहुत क्रंची सा आता है। तो देखिए थोड़ी देर में मैं इसको ऐसे थोड़ा सा उछाल के पलट दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि नीचे की लेयर लाल हो जाए, फिर इसको पलट लेंगे, फिर नीचे की लेयर लाल हो जाए, तभी अच्छे लगेंगे, जब लाल लाल करारे करारे आलू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जिससे कि जो नीचे की लेयर है जो कढ़ाई से पैन छू रही है वो लाल हो जाएगी। ये काली मिर्च पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच डाल दिया, बाकी आप जितना चटपटा खाते हो वैसे इतना काफ़ी है। अब देखिए अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया है कि नीचे की लेयर लाल हो रही है आलू की। अब इसके बाद फिर इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए देखिए नीचे वाले आलू लाल हो गए, आपको दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं आलू बनने में। ये नींबू का, 1/2 नींबू का रस है, डाल दिया। हरी धनिया डाल दी। जब तक ये सब कर रहे हैं तब तक नीचे वाली लेयर लाल हो रही है। और कुल 5 मिनट देखिए आलू तैयार हो गए, गैस बंद कर दी है, लेकिन इसको एक बार और चला लेंगे, ये देखिए, जिससे कि नींबू का रस भी सब में मिल जाए और जो नीचे वाली लेयर है रेड वो भी ऊपर आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये आलू पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक तो बनता है, मेरे वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।